Be careful. What the hell? How dare you? Sorry. Balance बिगड़ गया था. Balance कुछ नहीं. सब पता है मुझे. सिर्फ मौका चाहिए तुम जैसे लोगों को. क्या मैडम? अरे जबरदस्ती क्या है मेरे ऊपर? Excuse me, please. क्या? You already touched me twice. I saw that. क्या कहते हो? देखिए, बस जा रही थी. मैं टर्न हुआ और मेरा बैलेंस बिगड़ गया. That's it, I'm saying. झूठ मत बोल, समझा ना? अगर थोड़ी सी भी डिसेंसी होती ना तो लड़की देख के उठ जाता तू. एक तो ये लेडी सीट है नहीं, और वैसे मैं क्यों उठूं? मैंने तो कोई जबरदस्ती की नहीं है आपकी. झूठ मत बोल, कुछ भी मत बोल तू. एंड आस्क आंटी. आंटी आपने देखा ना क्या किया इसने? हाँ, पूछ लो. हाँ, मैंने देखा, तुमने इसे टच किया. तेरे से लोगों ने ही मुंबई का भी माहौल खराब रखा रखा है. एग्जैक्टली. अगले सप्ताह होता है, समझाएगा? तेरी भलाई है. चल उतर साले कमीने, उतर. मैं नहीं उतरूंगा. मैं क्यों उतरूं? उतर जल्दी, समझा ना. हम ए पाटिल, क्या हुआ? बस सब हो रहे. मैंने कुछ किया नहीं. अरे पर मैंने कुछ किया ही नहीं. उतरो. बहुत अच्छा किया बेटी तुमने. बहुत बहादुर हो तुम. थैंक यू मैडम. हेलो रोहित. हाँ, कहाँ है तू? मैं घर पे. क्या कांड किया तूने? क्या कांड किया? टीवी ऑन कर, न्यूज़ चैनल लगा. हाँ, एक मिनट. नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश की एक बहुत ही बहादुर लड़की रिया माथुर, जिसने बिना डरे उस दरिंदे का डटकर सामना किया. रिया, मैं तुमसे बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज तुमने जो हिम्मत दिखाई है ना, उससे देश की सारी लड़कियां बहुत प्रेरित हुई हैं. थैंक यू. आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि ये सब शुरू कैसे हुआ? जी, मैं ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़ी थी और वो लड़का उसी बस में. वो लड़का यानी रोहित सक्सेना? जी, रोहित सक्सेना. वो उसी बस में था और उसके बगल में एक एजेड आंटी बैठी हुई थी और बस पूरी क्राउडेड थी और कोई सीट नहीं मिल रही. मैं तुम्हें रोकना चाहूंगी. दर्शकों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जो अभी भी वायरल हुआ है. देखा ना क्या किया इसने? हाँ, मैंने देखा, तुमने इसे टच किया. चल उतर. गौर से देखिए इस दरिंदे को, जिसने रिया के साथ इतना घिनौना काम किया है. देखिए. रोहित सक्सेना. हाँ. ये आइला लड़कियों को छेड़ता है. कुछ लेगा? हेलो. हाँ रिया मैडम. हाँ, आखिरी इंस्टॉलमेंट आ गया है. ठीक है. चल, चैप्टर अब क्लोज है. चा मौज कर और मेरी एडवाइस लेगा तो तू अब अपने घर वापस चले जा, क्योंकि अब इस शहर में रहना मुश्किल होगा. एडवाइस फ्री में दे रहे हो या इसके भी पैसे लेते हो आप?
पे जो एलिगेशंस लगे कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। जस्ट गेट लॉस्ट। मैंने देखा तुमने इसे टच किया। जीरो टर्मिनेशन लेटर। फिर मौका चाहिए तुम जैसे लोगों को। डोंट यू नो डॉक्टर, तुम्हें भी ये लगता है कि ये सब मैंने किया? कंपनी की रेपुटेशन खराब। मैंने देखा तुमने इसे टच किया। पिक अप द फोन। टर्मिनेशन लेटर। फिर मौका चाहिए तुम जैसे लोगों को। इसे टच किया? मैंने कुछ नहीं किया है। स्टार बना दिया। तुम चाहते क्या? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। देखो, गलती अगर एक बार हो जाए ना तो माफ, मगर अगर वही गलती दूसरी बार की जाए ना तो बेवकूफी होती है। प्लीज लेट मी गो, प्लीज। लेकिन मेरी क्या गलती थी? देखो देखो, I'm really sorry. तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उस दिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और किसी ने वीडियो भी ले लिया था। लेकिन I'm really sorry. प्लीज मुझे जाने दो। मैं सबको सच बता दूंगी। जाने की क्या जरूरत है? सच तुम यहीं पे भी बता सकती हो। ज्यादा बताने का समय नहीं है। यू गॉट रिया माथुर, नाम तो सुना होगा, राइट? ऑफ कोर्स, वो आप सबको सच बताने वाली है। हियर वी गो। कोशिश करो, सच बाहर आएगा। ओके ठीक है। मेरा नाम रिया माथुर है। मुझे आप सबको आज सच बताना है कि रोहित सक्सेना ने उस बस में कुछ नहीं किया था। उस दिन बस में जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, सब मेरी गलती थी। एक्चुअली उस दिन वीडियो अपलोड हो गया था और वायरल भी हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ी पब्लिक सिंपथी भी मिलेगी और पब्लिसिटी भी, इसलिए आई ट्राई टू कैश ऑन टू दिस अपॉर्चुनिटी एंड और मैंने रफा दफा करने के लिए 2 लाख रुपए भी लिए थे। बट आई जस्ट वांट टू से दैट इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट वाज ऑल माय फॉल्ट। दैट वाज इजी, थैंक यू। देखो अब तो मुझे जाने दो, मैंने सबको सच बोल दिया है। प्लीज जाने से पहले एक और काम बाकी है। क्या? Are you mad? You're going to shoot me? सबको पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सबको किसको? गिने चुने तो दोस्त है। लोगों को शर्म आती है कि वो एक मोलेस्टर के दोस्त है। क्या लगता है, मीडिया अपनी गलती मानेगा? अरे कोने में पड़ा रहेगा ये वीडियो। पता है, अगर लड़की घर पे बैठी रहे ना तो कोई कुछ नहीं बोलता, मगर अगर लड़का बैठे रहे तो नहीं चलता। लड़के को बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ाई करो तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, और वही अगर ना रहे तो मैं कहीं नहीं जाता। आजकल चुपचाप घर पे बैठा रहता हूं, कोई है ही नहीं मिलने के लिए। एक दिन हिम्मत करके
हिम्मत करके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा डिप्रेशन है, कहा घर वाले से मिलो, रिश्तेदारों से मिलो। कोई है? हाँ, कुछ कहा? तुमने जैसे ये 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 प्लीज, मुझे खुद को प्लीज, पता नहीं मैंने क्यों लाई मैंने। प्लीज प्लीज अब तो मुझे जाने दो प्लीज। देखो मैंने सबको सच बता दिया है, अब तो मुझे जाने दो प्लीज प्लीज।